नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षत पाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को एक बार फिर झटका लगा है। बता दें कि पार्टी के एक और विधायक की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये कार्रवाई मुजफ्फरपुर की कुडनी विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार सहनी के खिलाफ की गई है। आपको अवकाश याद होगा कि, और आपको बता दें कि उनको अवकाश और यात्रा भत्ता यानी LTC घोटाले में दोषी करार दिया गया था और इसके बाद ये कार्रवाई उन पर की गई है। आरजेडी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक और विधायक की सदस्यता हुई समाप्त। बिहार विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, विधायक की सदस्यता समाप्त की गई है और इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। संवाददाता रजनी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ी हैं। रजनी, देखिए, सदस्यता आरजेडी पार्टी के एक विधायक की रद्द कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? सदस्यता खत्म की गई थी और उनपे अब ये जो दूसरे MLA हैं अनिल सहनी, इनकी सदस्यता खत्म हुई है और खबर ये आ रही है कि इन्हें सजा हुई है और इसी LTC मामले को लेकर इन्हें सजा हुई है और इसी वजह से विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले आनंद सिंह का इसकी सदस्यता खत्म की गई थी और अब ये RJD के दूसरे MLA हैं जिनकी सदस्यता खत्म की गई है। तो लगातार RJD के लिए ये दूसरा हमला है RJD पे और कह सकते हैं कि अब सरकार भी एक तरह से सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं बर्दाश्त की जाएगी और यही वजह है कि इन पे भी जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप सिद्ध हुए और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इनकी सदस्यता समाप्त कर दी। बिल्कुल, और देखिए लगातार RJD की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ये बड़ा झटका। देखिए, अगर किसी पार्टी का एक विधायक अगर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मजबूती होती है विधायकों से ही होती है पार्टी की, तो यहाँ अब RJD जो है कमजोर पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले अनंत सिंह जो काफी कद्दावर नेता माने जाते रहे थे उनकी सदस्यता खत्म की गई थी, वो RJD के लिए बड़ा हमला था। उस समय JDU सरकार NDA के साथ थी और ये सदस्यता खत्म की गई थी तो, और अब ये चूंकि महागठबंधन की सरकार है, बावजूद इसके ये मामला पहले से चलता आ रहा था, उसी मामले के तहत जो अनिल सैनी है विधायक, उन पर LTC के तहत मामले चल रहे थे और वो मामले प्रूफ हो गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने, चूंकि ये कार्रवाई पहले से चल रही थी और सरकार ने ये कह रखा था कि जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह की कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो ये प्रूव हो गया और उसके बाद इनकी जो सदस्यता है वो खत्म कर दी गई। तो लगातार RJD की दो विधायकों की संख्या कम हो गई। बिल्कुल, दो विधायकों की सदस्यता रद्द करने के बाद संख्या कम हुई है और ऐसे में लेकिन विपक्ष, देखिए, कभी कुछ ऐसा जब नेगेटिव किसी पार्टी में देखने को मिलता है तो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है बैठे बिठाए और यहाँ पर भी इसी तरह का हुआ है। देखिए, ये मामला तब का है जब सरकार महागठबंधन की नहीं थी बल्कि महागठबंधन विपक्ष में बैठा था और उस समय NDA की सरकार थी, तब ये कार्रवाई शुरू हुई थी और पहली कार्रवाई RJD की पहले MLA अनंत सिंह पे हुई थी और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और उसी के बाद से ये कार्रवाई चल रही थी, चूंकि NDA सरकार के समय से ये चल रही थी और अब इस पे कार्रवाई हुई है। तो चूंकि अब सत्ता में बैठी है महागठबंधन, RJD सत्ता में बैठी है और ऐसे में इस पे किसी भी तरह की आपत्ति जताना इनके लिए बहुत ही घातक होती और यही वजह है कि RJD की तरफ से भी शांति है और चूंकि उस समय BJP सरकार के पक्ष में थी और BJP के रहते ही ये मामला उठाया गया था, तो बिल्कुल बिल्कुल रजनी, और कहीं ना कहीं बड़ी, लेकिन अब पार्टी के लिए कह सकते हैं कि बड़ा झटका है क्योंकि दो विधायक अब पार्टी जो है उस दो विधायक पार्टी के कम हो चुके हैं, सदस्यता रद्द की गई है। चलिए रजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आरा सदर हॉस्पिटल में डेंगू से निपटने के लिए 20 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसे लेकर प्रभारी सिविल सर्जन अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि आरा में डेंगू के मरीज की संख्या कम है लेकिन ज्यादा आने पर भी बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। आरा
वार्ड बनाया गया है जहां एक और भोजपुर सहित पूरे बिहार में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए आरा सदर हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। अभी हम बात करेंगे कि प्रभारी सीएस हैं अरुण कुमार जी से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या व्यवस्था की गई है? जैसे ही हम लोगों को निर्देश मिला, डीएम सर का निर्देश आया था, तत्काल हमने उसी समय शाम के समय आया और आधे घंटे के भीतर में, ये पहले कोविड वार्ड हुआ करता था, उसको मैंने मेरे ऑर्डर से वो तुरंत इसको कन्वर्ट कर दिया गया, डेंगू वार्ड कर दिया गया। और आप देख ही रही हैं, बेड 20 बेड का हम लोग है और हमारे डेडिकेटेड स्टाफ हैं। और ये गुड़िया जी, आप इधर आइए, आइए रमाकांत जी। अभी कितने पेशेंट हैं? अभी 3 पेशेंट हैं हमारे पास में। अभी मतलब भोजपुर में है या केवल आरा सदर हॉस्पिटल? आरा सदर में ये हैं और बाकी जांच हुआ है, तो जांच में अभी कल भी चार था ना, चार लोग ओपीडी में जांच में आए थे क्रम में, तो अभी क्लियर कट नहीं है कि मतलब उनको क्या एडमिट करना है या उसको आइसोलेशन में रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको दवा देके, उचित सलाह देके उसको भेज दिया गया है। क्या व्यवस्था है, मतलब अगर मान लिया कोई भर्ती होगा तो उसको क्या व्यवस्था? अरे ये फुल फ्लेज्ड सदर अस्पताल है मैम, आप तो जानती हैं, यहाँ पे हमारे पास में सारा कुछ इलाज का सब बेहतर व्यवस्था है। डेंगू को मैंने आइसोलेटेड एक वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। व्यवस्था तो सदर अस्पताल में है, इसमें तो कोई आदमी उठा ही नहीं सकता है क्या व्यवस्था है। व्यवस्था था ही, डेंगू के लिए स्पेशल हम लोगों ने कर दिया है। जाँच यहाँ पे नियमित रूप से हो रहा है और सारे लोग डेडिकेटेड हैं, स्टाफ भी हैं, डॉक्टर भी हैं। जी हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ एक पेशेंट भी हैं जो डेंगू से पीड़ित है। क्या व्यवस्था सब ठीक ठाक मिल रहा है? ठीक ठाक। कहाँ अभी भर्ती आप हैं? क्या कब से बीमार है बच्चा आपका? इतवारी से। जी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यह डेंगू के पेशेंट हैं, इसके अलावा और लोग भी हैं जो भर्ती हैं, और समुचित व्यवस्था देने की बात कही जा रही है आरा सदर हॉस्पिटल में। फिलहाल अभी एडमिट में 3 मरीज हैं, इसके अलावा अन्य की जांच हुई है, पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, इसलिए अभी यहाँ एडमिट नहीं है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से इंडिया वॉइस के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर दौरे पर हैं और जहां पर समस्तीपुर को सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि बड़ी सौगात सीएम के द्वारा दी जाएगी और इसी के साथ ही सीएम ने राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का उद्घाटन भी करने की जानकारी दी है। यहां पर सीएम उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां जो है उसको पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 एकड़ में बने इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे कुल 76 करोड़ की लागत से बनाया गया है, और साथ ही साथ आम लोगों को यहां पर संबोधित भी किया है। समस्तीपुर को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात और तमाम इंतजाम जो हैं वो पूरे किए गए हैं। इंजीनियरिंग महाविद्यालय का उद्घाटन, जनसभा को संबोधित भी सीएम ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों को लेकर जानकारियां ली और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। वहीं दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दर्शन का कार्यक्रम भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पहली बार असमय बाढ़ की त्रासदी का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। आपदा की चुनौती का मजबूती से सामना करते हुए केंद्र और राज्य की सरकार लगातार कोशिश कर रही है और लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने की कोशिश भी की जा रही है। चले आगे बढ़ेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही काशी प्रांत की बैठक प्रयागराज में शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल है और साथ ही साथ कई अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही काशी प्रांत के बीजेपी विधायक और सांसद भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमारा लक्ष्य नगर निकाय की सभी सीटों पर जीत दर्ज करना है, सभी सीटों पर कमल को खिलाना हमारा लक्ष्य है, ताकि जो सुशासन देश और प्रदेश में है वही सुशासन निकायों में भी कायम हो सके। तो प्रांत की बैठक, काशी प्रांत की बैठक बीजेपी की शुरू हो गई है और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हुए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है और देखिए बीजेपी हर चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानती है और इसी वजह से लगातार ये कहा जाता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और अभी नगर निकाय चुनाव इसको भी इतना महत्वपूर्ण बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि खुद डिप्टी सीएम इस चुनाव की बैठक को लेकर तमाम संबंधित लोगों से जानकारियां ले रहे हैं और उनको निर्देश दे रहे हैं। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद शामिल हुए और उनका लक्ष्य जो है
उसको लेकर जानकारी उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को दी है। लोग कोई भी टेस्ट देने को तैयार रहते हैं, आप उसको जो शब्द देना चाहो, लेकिन ये हम 22 का नगर निकाय भी बहुत शानदार सफलता प्राप्त करेंगे और 24 में तो 80 की 80 सीटें जीते हम लोग कोई भी। और अब खबर यूपी के हापुड़ से, जहां पर आपसी विवाद के चलते करवा चौथ के पर्व पर एक पत्नी ने अपने पति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गई। दरअसल महिला कुछ महीनों से अपने मायके खजेड़ा में रह रही थी और कल शख्स अपनी पत्नी को लेने मायके गया था, जहां पर उसने पत्नी के साथ आने से इनकार कर दिया। पति ने जब इस बात का विरोध किया तो पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमले में जो पत्नी है उसकी मौत हो गई है और आरोपी पति जो है वो फरार बताया जा रहा है। हापुड़ का ये पूरा मामला है, यूपी के हापुड़ का। आपसी विवाद के चलते करवा चौथ के पर्व पर एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया है। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं और उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों का जायजा, इलाके का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानियों को समझा। ये तस्वीर आप देखिए, गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं जो कि बाढ़ से परेशान हैं, उनके बीच सीएम पहुंचे और इलाकों का दौरा किया, किस तरीके से स्थिति वहां पर बनी हुई है इसकी जानकारी खुद सीएम ने ली और साथ ही साथ जनता दर्शन कार्यक्रम भी सीएम ने यहाँ पर आयोजित किया। सीएम ने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना, उनके निराकरण का जैसे कि हमेशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हैं वो निर्देश उन्होंने दिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पहली बार असमय बाढ़ की त्रासदी का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। आपदा की चुनौती का मजबूती से सामना करते हुए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार जनता की सेवा में जुटी हुई है। बाढ़ प्रभावित हर व्यक्ति को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो भी की जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों के दर्द को सीएम समझते हैं और इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तमाम अधिकारियों को भी इस बात का निर्देश देते नजर आते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करिए, लोगों की परेशानियों को समझिए, सुनिए और उनका निराकरण करिए। और ये तस्वीर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में जो तमाम फरियादी पहुंचे थे उनकी परेशानियों को भी सीएम ने सुना। मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता, आंशिक रूप से हुआ है तो भी उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4,00,000 रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं। कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2,50,000 रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नदियों के रौद्र रूप से लगातार तबाही मची हुई है और सरयू के सैलाब में कहीं पर रोड बह गए हैं तो कहीं पर गांव का घर जो है वो लगातार टूट रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, घरों में पानी घुस रहा है और साथ ही साथ कई ग्राम पंचायतों का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। लोग बेहद ज्यादा परेशान है, गाँव में चारों ओर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और जो कि बहुत ही दयनीय है। मवेशी बहुत ज्यादा परेशान है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे बूढ़े हर कोई बाढ़ की स्थिति से परेशान है। वहीं सरयू नदी पूरे उफान पर बह रही है और खतरे के निशान से ऊपर सरयू नदी बह रही है। 106.71 सेंटीमीटर ऊपर नदी बह रही है। 460 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि लगातार स्थिति जो है इतनी बदतर हो गई है और ऐसे में जब बाढ़ की स्थिति होती है तो बीमारियां भी पनपती हैं तो इसको लेकर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए लगातार। लेकिन देखिए, सूबे के मुखिया इसको लेकर निर्देश दे रहे हैं कि अधिकारी समस्याओं को समझें और इनका निराकरण किया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उनको राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है डैम्स के द्वारा,
उसमें भी काफी कमी आई है। कल लगभग 4.25 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़े जा रहे थे, जो घटकर आज 3,40,000 के करीब हो गया है, और इसमें लगातार कमी आ रही है। तो आगे आने वाले दिनों में हमारे जनपद में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसमें सुधार की संभावना बनी हुई है। और साथ ही हम लोगों ने SDRF की टीम, जल पुलिस की टीम, साथ ही जिला प्रशासन हर जगह हर संभव मदद बाढ़ पीड़ितों की कर रहा है। पर्याप्त संख्या में नाव लगाए गए हैं और नाव प्रोक्योर कराए जा रहे हैं, जिससे कि हर एक गांव तक। यूपी में बाढ़ की स्थिति कई जिलों में देखने को मिल रही है, और इसी बीच घाघरा यानी सरयू नदी में भी विकराल रूप देखने को मिल रहा है। सरयू नदी का भी जो स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है, और सरयू नदी 1.60 मीटर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके चलते आसपास के लोग जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, और आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, आसपास के इलाके में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए तस्वीर, आप इस तस्वीर को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति अभी है, कितना तेज बहाव है और खतरे के निशान से ऊपर सरयू नदी बह रही है। बाढ़ की स्थिति यूपी के कई जिलों में है, इसी तरह की तस्वीरें कई जिलों से सामने आ रही हैं, और हर जिले में राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। तमाम टीमें भी एक्टिव की गई हैं कि अगर कहीं पर कोई लोग फंसे हैं तो उनको भी निकाला जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।